तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले, तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देखो पिले, आमर थर्ड सेमिस्टर मैथ ऑनर्स क्लास स्टार्ट हो गला। तो जो मैंने जान लो समस्त इनफर्म कर देखा चाहूँ क्लास स्टार्ट हो गला। तो फटाफट ग्रुप में जॉइन होगी तुम क्लास स्टार्ट कर दि बुझ पाला पिले। तो सब पेपर आम ग्रुप थ्योरी पार्शियल डिफरेंशिएशन जो कौन तुम पीडी पेपर अच्छी रहा रियल ऑफ कौन थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। तो सब पेपर कौन स्टार्ट हो गला है। तो चलो पिले आज वीडियो आम देखा फॉर्मेशन ऑफ पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन है। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक अच्छी डिटेल्स रे बुझ है। तो ये टाइप क्वेश्चन करा पूर्व मुझे किसी किसी नोटेशंस कहक चाहे जोटा कि निहाती रूप से दरकार है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स जब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू क्या करथ रेस्पेक्ट टू एक्स को करूँ है आम पी बोली कही था। जी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई करूँ क्या जेड को ताको हमें क्यू बोली कही था। जदि पार्शियल डेरिवेटिव है डबल डेरिवेटिव जेड को हमें कते एक्स टू टाइम्स डेरिवेटिव करूँ ताको हमें आर कही था। जदि पार्शियल डेरिवेटिव को जेड को विथ रेस्पेक्ट टू वाई हमें दुई थर डेरिवेटिव करूँ ताको टी बोली कहूँ। आउ एस क्या कौ जी कौन करूँ थे एक्स डेरिवेटिव करूँ थे वाई है। तो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई डेल एक्स ताको हमें कौन कौन एस बोली कहूँ है। ये नोटेशन दरकार है। एबे क्वेश्चन ने कौन कही फॉर्मेशन ऑफ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन है। तो ये आम कौन कर फंक्शन को एलिमिनेट करा मतलब हटेबा है। तो ये जमी फर्स्ट क्वेश्चन है एफ हूँ फंक्शन एफ फंक्शन एफ फंक्शन 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 तुमको फंक्शन को हटेबार अच्छे बास एति तुम काम कौन कर फंक्शन को हटेबार अच्छे है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए बोले जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एटा दे क्वेश्चन ठीक अच्छे ठीक ठाक देखा बोले है। आई होप कि असुविधा ना। तो चलो पिले ये तो फर्स्ट कौन करवा या इक्वेशन वन या पे इक्वेशन वन क्वेश्चन को देदेली इक्वेशन वन है। तो लिख डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। तो कौन लिखा डेल जेड बाय डेल एक्स है इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ कौन रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे बोले। चलो तो डेल जेड बाय डेल एक्स तो डेल जेड बाय डेल एक्स को तुम देखिपर आम कौन कहीपर पी कहीपर। तो लेफ्ट साइड में मुझे आराम से कहली पी भी या डेरिवेटिव कर। तो या डेरिवेटिव कले फर्स्ट एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तापर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे बोले। चलो तो पी इज इक्वल टू कत रहा तुम एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो एक्स छड़ा बाकी सब किसी कन्स्टांट है। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कैसे पे तुम टू एक्स माइनस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो वाई को कर तो कौन हो जीरो हो ये रहा तुम जीरो। तो मन रखा पे जो विथ एक्स टू आम एक्स करूँ एक्स छड़ा बाकी सब किसी कन्स्टांट बाकी सब किसी कन्स्टांट बोली ट्रिट कर। तो चलो तो पी इज इक्वल टू मुझे लिखिपरि यहाँ कितने रहा टू एक्स माइनस जीरो टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे बोले। तो टू एक्स को एपटू सिफ्ट कर दिव तो पी बाई टू एक्स इज इक्वल टू कत रोज पे तुम एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे। तो या कोई रख या ना दे दियो इक्वेशन नंबर टू ठीक अच्छे बोले क्लियर किसी असुविधा ना। नेक्स्ट अगेन अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू वाई है। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करवा है पार्शियल लिखा भूल जाइए तुम सही सर पार्शियल है। तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डिफरेंशिएट करवा है पार्शियल है। चलो ए सेम ए क्वेश्चन को है। तो जेड इज इक्वल टू कैसे बोले एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो कौन लिखा डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे। तो डेल जेड बाय डेल वाई को आम कौन लिखिपर क्यू लिखिपर है। तो क्यू इज इक्वल टू है तो यार डेरिवेटिव कैसे बोले एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे बोले। तो क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एवं विथ रेस्पेक्ट टू आम वाई डिफरेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू वाई रे। तो वाई रे कौन डिफरेंशिएट कला वाई छड़ा बाकी सब किसी कन्स्टांट तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव जीरो माइनस वाई स्क्वायर टू वाई है। सिंपल कथा ये वाई अच्छी वाई तो वाई डेरिवेटिव हम वाई छड़ा बाकी सब किसी जीरो है। तो क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई ठीक अच्छे पे। तो माइनस टू वाई को एपटू सिफ्ट कर दि। तो
कौन लिख पारे माइनस टू वाई को एपटू सिफ्ट कर दूसरे है तो माइनस क्यू बाय टू वाई इज इक्वल टू के एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक अच्छे या दि इक्वेशन नंबर के टू जाए जाए या दि थ्री है ध्यान से देख पे है ध्यान से देख है इक्वेशन थ्री को देख है कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री दुटा को कंपेयर करो है तो तुम्हें देख पार तुम्हें कॉलेज बेले भी स्कूल बेले पढ़ी इफ कौन पीले जब ए इज इक्वल टू सी हुए आउ बी इज इक्वल टू सी हुए तो आम ए इज इक्वल टू बी लिखिपर है तो ये कैसे देख पी बाय क्यू एक्स इज इक्वल टू कौन एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये माइनस क्यू बाय टू वाई इज इक्वल एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तालोले आम लिखिपर पी बाय टू एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय टू वाई ठीक अच्छे है तुम ये चाहिए ये टू टू को कैनसल भी करदे पार है तो पी बाई एक्स से भितर नहीं आस प्लस क्यू बाय वाई इज इक्वल टू जीरो तो ये है तुम फाइनाल आंसर बुझिपाल पे ये है फाइनाल आंसर है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार तो बहुत ही डिटेल्स पूरा बुझेली कन्सेप्चुअली देख क्वेश्चन बहुत ही इजी अच्छी तुम्हें खाली डिटेल्स वन बाय वन देखी चल वीडियो देख सब किसी कन्सेप्ट आराम से क्लीयर होगा तो फटाफट नोट डाउन कर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे बिट नंबर कौन क्वेश्चन नंबर टू कौन दे जेड इज इक्वल टू एफ एफ कौन दे साइन एक्स प्लस कॉस वाई ये दे चला? तो सेम लॉजिक या नहीं इक्वेशन नंबर वन है तो लिख डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है तो कौन लिख पार पे डेल जेड बाय डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई ठीक अच्छे तो डेल जेड बाय डेल एक्स को कौन लिखी पिले पी लिखी से लिखाई तुम्हें है चलो एफ रो डेरिवेटिव के पे एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई ठीक अच्छे पे इतनी है तो पी इज इक्वल टू एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई आउ एटी देख पिले विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रे कर साइन डेरिवेटिव के पिले कॉस एक्स आउ वाई अच्छी तो यहाँ जीरो है जीरो ठीक अच्छे कहीं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रे कर मैंने एक्स छड़ा बाकी सब किसी कॉन्स्टेंट तो कॉस वाई भी गोटे कॉन्स्टेंट तो जीरो है चलो तो पी इज इक्वल टू मुझे लिखिपर पे कौन एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू कॉस एक्स इंटू के पे कॉस एक्स तो कॉस एक्स टाक एपटू सिफ्ट कर दियो पी बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई ठीक अच्छे पे तो ये है तुम ये आंसर है या दे दू इक्वेशन नंबर टू या दे के पे इक्वेशन नंबर टू ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सेकेंड है क्वेश्चन टू आसला एगेन या कौन कर डिफरेनसीएट कर विथ रेस्पेक्ट टू वाई है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो कौन लिख पे डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाय डेल वाई ऑफ है या डिफरेंशिएट करियो विथ रिस्पेक्ट टू वाई रे तो एफ ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई ठीक अच्छे तो डेल जेड बाय डेल वाई को आम लिखा आराम से क्यू कौन लिखा आराम से क्यू लिखा ठीक अच्छे एवं यार डेरिवेटिव कैसे पिले एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई ठीक अच्छे चलो तो क्यू इज इक्वल टू एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई तो साइन डेरिवेटिव के पे जीरो साइन डेरिवेटिव के पे ये जीरो कहीं विथ रेस्पेक्ट आम कौन कर वाई कर साइन एक्स तो यहाँ हो जीरो कॉस वाई माइनस साइन वाई ठीक अच्छे ताहले क्यू इज इक्वल टू के बचला एफ डैश साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू माइनस साइन वाई के माइनस साइन वाई है तो माइनस साइन वाई को एपट को सिफ्ट कर दियो तो माइनस क्यू बाय साइन वाई माइनस क्यू बाय साइन वाई है इज इक्वल टू एफ डैश
sin x plus cos y ठीक अच्छे पे एफ डैश sin x plus cos y ठीक अच्छे या को दे दियो इक्वेशन नंबर 3 या को दे दियो इक्वेशन नंबर 3 तो सेम लॉजिक हम जमिति प्रीवियस रे कर थिलु कंबाइनिंग किमा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 दीटा को कंपेयर करो हला तो इक्वेशन 2 देखो यार राइट साइड रे कोन अछि एफ डैश sin x plus cos y यार राइट साइड रे भी एफ डैश sin x plus cos y ताहले मु लेखी पारी भी तो सेम लॉजिक हिसाब रे जदी a is equal to c हुए b is equal to c हुए ताहले a is equal to मध्य b लेखि हो हला ताहले कोन लिख परे p by p by cos x is equal to -q by हला sin y केते -q by sin y ठीक अछि बोले चलो तो अभी इतरु नहीं ऐसा हला p by यदि lcm नहीं होचे lcm भी नहीं जाओ हला हम तो भी लिख पड़े हो ना हला p by cos x रहिला plus q by sin y is equal to 0 हम तो लिख ले भी चढ़ेगा ना हला lcm लेके मैं तुम्हें सिंपलीफाई करी पा रही हूँ हला तो ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर हला आई होप स्टूडेंट तुम आराम से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आराम से बुझी पार्थिव हला तो बहुत ही इजी अछि तुम कांसेप्चुअली बुझो जो पिला मैंने कोचि पिले ग्रुप रे जॉइन होवा चाहौ छ तो फटाफट एई नंबर रे कांटेक्ट करो 9040607886 हला एई नंबर रे कांटेक्ट करी ग्रुप रे जॉइन हे जाओ ओनली 300 रुपीस कोटेड पेपर को केते मात्र 300 टकानी आउ छि तो थर्ड सेमेस्टर तुम तीनटा पेपर अछि तो 900 रुपीस रे पूरा सिलेबस तुम कंप्लीट हे जइबो बुझवा ल फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट हे जइबो ता सहित डिटेल्स रे वीडियोस मिलिबो नोट्स मिलिबो पीडीएफ क्वेश्चन मिलिबो हला सिलेक्शन क्वेश्चन मध्ये हम तुम प्रोवाइड कर देबी तुमको प्लस 3 पाठ पे टेंशन रहै माने तुम घरे बसी पूरा सिलेबस पे आराम से कंप्लीट करि पारिबो बुझवा ल फिर तो फटाफट नोट डाउन करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिले बिट नंबर 3 हला तो बिट नंबर 3 क्वेश्चन दे छि कोन पिले x plus y plus z is equal to f of x square plus y square plus z square हला तो ठीक है डिफरेंट फ्लेवर क्वेश्चन दे छि तो ताको मध्ये देखिबा तो नै जेबा को इक्वेशन नंबर 1 एको नै गेलो इक्वेशन नंबर 1 तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो पार्शियल डिफरेंशिएट करबा तो डेल बाय डेल x ऑफ हला x plus y plus z is equal to del by del x of f of x square plus y square plus z square ठीक अच्छे पिले चलो तो x derivative 1 y derivative 0 z derivative del z by del x ठीक अच्छे पिले इतनी क्या होएगा is equal to है ना तो f अब अच्छी तो कौन करेगा first function का derivative तो कौन है जीवो f dash x square plus y square plus z square है ना तापरे del by del x of x square plus y square plus z square ठीक अच्छे तो एपोर्ट साइड रे कौन बनचला 1 plus del z by del x को कही परी भी p is equal to f dash x square plus y square plus z square एपोर्ट कितना रहेला x derivative कर चो तो x square derivative 2x y square और 0 यार कितने पिले 2z del z by del x कितने 2z del z by del x ठीक अच्छे चलो तो देखो पहले तो लेफ्ट साइड रे कौन अछि पहले 1 plus p is equal to हला तो f डैश केतरो ले पहले f डैश x स्क्वायर plus y स्क्वायर plus z स्क्वायर केतरो लाओ 2x plus 2x plus 2z 2z आई विल ले पहले z del z by del x तो ता जगह लिख परबी p ता जगह लिख परबी पहले केते p ठीक अछि पहले क्लियर पूरा टोटल टाकू नहीं एपटे डिवाइड कर दियो हला तो 1 प्लस p डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2zp इज इक्वल टू f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर व्हिच वाला याको दे दियो इक्वेशन नंबर 1 ए सॉरी इक्वेशन नंबर 2 हला याको दे दियो इक्वेशन नंबर 2 क्लियर किछ असुविधा नहीं सेम लॉजिक हला चलो अगेन कोन करे इक्वेशन आन को विथ रिस्पेक्ट टू y रे डिफरेंशिएट करबा हला तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई हला तो कौन लिखिबा डेल बाय डेल वाई ऑफ कौन अछि पड़े एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हला तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एतिक अछि तो विथ रिस्पेक्ट अबे कोथरे करछु वाई रे करछु तो वाई रे पहिले एक्स रे 0 वाई रे केते हो पिले वाई रो 1 हाउ इटा डेल जेड बाय डेल वाई ठीक अछि इज इक्वल टू एडा कोन लिखिबा f डैश
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक अच्छे तो क्लीयरली देखा होची वन प्लस डेल जेड बाय डेल वाई है तो डेल जेड बाय डेल वाई को आम कौन कह पे क्यू बोली कह तो क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देख विथ रेस्पेक्ट टू वाई करुच्छ तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव जीरो वाई स्क्वायर के तुम टू वाई आउ जेड स्क्वायर टू जेड डेल जेड बाय डेल वाई ठीक अच्छे डेल जेड वाई कौन पिले डेल वाई है देख पे यहाँ को डेल कहे किए डो भी कहते हैं तो किसी असुविधा नहीं जहाँ भी कहींपर है तो वन प्लस क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ कत रहा पे टू वाई प्लस टू जेड डेल जेड बाय डेल वाई को कौन लिखी क्यू ठीक अच्छे तो ये पूरा टोटालटा को लेकिन एपटे डिवाइड कर दियो है तो वन प्लस क्यू बाय टू वाई प्लस टू जेड क्यू इज इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ठीक अच्छे पे या दे इक्वेशन नंबर थ्री या दे दे इक्वेशन नंबर थ्री है तो सेम लॉजिक इक्वेशन नंबर टू को देख इक्वेशन नंबर टू को देख इक्वेशन नंबर थ्री को देख है राइट साइड कौन अच्छे सेम अच्छी तुम लिखिपार कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री दुटा को कंपेयर करो इक्वेशन को राइट आउ लेफ्ट को कंपेयर करो तो देखे कौन मिले पे आमको है तो वीडियो पॉज कर लिखी दियो मैं इस साइड लिखी आंसर टा है तो देख बोले राइट जदि मुझे दी साइड को कौन कंपेयर करुच्छे तो यार राइट साइड कौन अच्छे सेम अच्छे तेल मैं लिखिपर लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट है तो वन प्लस पी बाई टू एक्स प्लस टू जेड पी इज इक्वल टू वन प्लस क्यू बाय टू वाई प्लस टू जेड क्यू है टू कमन नहीं काटिपर वन प्लस पी बाय टू कमन नहीं गले के रोच एक्स प्लस जेड पी एपटे वन प्लस क्यू बाय टू कमन नहीं गले वाई प्लस जेड क्यू तो टू टू दियो काटी तो रहिला केते वन प्लस पी बाय एक्स प्लस जेड पी इज इक्वल टू वन प्लस क्यू डिवाइड बाय वाई प्लस जेड क्यू है तो या को कौन कर दियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो तो केते होची वन प्लस पी इंटू वाई प्लस जेड क्यू इंटू वाई प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू है एक्स प्लस जेड पी अब एटा वन प्लस क्यू है बुझिपाल पे ये आंसर तुम्हें आपको आगे सिम्प्लीफाई भी करपर है तो तीन टा क्वेश्चन मुझे कम्प्लीट कली है तो देख पे दुटा क्वेश्चन मुझे तुम्हें छाड़ी है क्वेश्चन नंबर फोर आउ क्वेश्चन नंबर फाइव मुझे तुम्हें छाड़ी क्वेश्चन नंबर फोर आउ क्वेश्चन नंबर फाइव आई होप तुम आराम से बुझीपार डिटेल्स तुम्हें निज हिसाब से क्वेश्चन कर मुझे तुमको क्वेश्चन प्रोवाइड करी है तो यही हिसाब से तुमको डिटेल्स में वन बाय वन पूरा डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड करी नोट्स प्रोवाइड करी तुम पाठ पढ़ा किसी असुविधा रोना तो जो पे टी पाठ पढ़ा असुविधा होती फटाफट आम ग्रुप जॉइन हो जाओ पे ये नंबर कांटेक्ट करके 9040607886 यही नंबर कांटेक्ट कर डिटेल्स जॉइन हो जाओ जहाँद्वारा कि सब वीडियो तुम्हें पापर कहीं फुल कोर्स वीडियो तुम कौन रोच पे पब्लिक मोड में रोनी सब प्राइवेट रोक रोच है तो ग्रुप जॉइन है ही सब जिन पाइब है मात्र 300 टाँग पर पेपर हिसाब से पाठ पढ़ा होगा तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।